இவங்களுக்கு நம்ம हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिल्मी तड़का पर। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं साउथ की बेहतरीन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवीज जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांध के रखने का काम करती है। और आज की वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों, अगर आप सारे मूवीज देखना चाहते हैं तो इन मूवीज का लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसे ही लगातार वीडियोज का अपडेट पाते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारी नंबर 6 पर जो मूवी आती है वह 2022 की रिलीज एक एक्शन ड्रामा एक्टिविटी पर बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है नाइट ड्राइव और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है, आउट ऑफ 10 जो एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें एक कपल के बारे में दिखाया गया जो लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब कपल लॉन्ग ड्राइव में जाते वक्त एक एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि वह कपल अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और इवन वह इस एक्सीडेंट से कैसे बाहर आते हैं, सब चीज जानने के लिए आप एक बार को जरूर करें। बात करें मूवी की स्टार कास्ट की, तो इस मूवी में आपको बहुत सारे बेहतरीन एंड मल्टी टैलेंटेड एक्टर देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने इस मूवी में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और तो दोस्तों, इस मूवी के डार्क सिनेमेटिक सीन आपको बहुत ज्यादा एंगेजिंग लगने वाले, और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। गाइस, जब हमारी नंबर 5 पे जो मूवी आती है ईयर 2021 की रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है मिरुंगा और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5 है, आउट ऑफ 10। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें में कोटापुरी नाम के गाँव के बारे में दिखाया गया जहाँ पर एक आदमखोर टाइगर लोगों को बेरहमी तरीके से मार रहा होता है। तभी उसी बीच एक फॉरेस्ट ऑफिसर की एंट्री होती है जो उस टाइगर को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उस जगह पर कुछ अनमैरिड लड़कियों का एक साइको द्वारा मर्डर होने लगता है। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि उस जगह पर वह साइको अनमैरिड लड़कियों का मर्डर क्यों कर रहा होता है और इवन क्या वह फॉरेस्ट ऑफिसर उस टाइगर को पकड़ पाता है या नहीं, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसमें को ट्राई जरूर करें। देखा जाए तो दोस्तों, इस मूवी में आपको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल जाएंगे जो इस मूवी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। गाइस, जब हमारी नंबर 4 पर जो मूवी आती है वह पूरी तरीके से एक्शन थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है हंट और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 है, आउट ऑफ 10। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें अर्जुन प्रसाद नाम के एक पुलिस ऑफिसर के बारे में दिखाया गया है जिसे एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर केस सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जो की अर्जुन प्रसाद के दोस्त का ही मर्डर केस होता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब अर्जुन इस केस को सॉल्व करता जाता है और अचानक से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरी लॉस हो जाती है। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि क्या अर्जुन इस केस को सॉल्व कर पाता है नहीं, और इवन वह क्रिमिनल अर्जुन के दोस्त को क्यों मारते हैं, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। लेकिन दोस्तों, यह मूवी आपको स्टार्टिंग में तो एंगेजिंग लगने वाली है, लेकिन जैसे जैसे आप इस मूवी में आगे बढ़ेंगे यह मूवी आपको थोड़ी बोरिंग लगने वाली है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो मूवी आती है वह 2023 के रिलीज एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है क्रांति और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है, आउट ऑफ 10। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें क्रांति नाम के एक आदमी के बारे में दिखाया गया है जो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होता है और आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा NRI बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब क्रांति कई सालों बाद इंडिया वापस आता है और वह कुछ करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना चाहता है। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि क्या क्रांति इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज ला पाता है या नहीं, और इवन वह चेंजेस क्यों लाना चाहता है, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। बेसिकली दोस्तों, देखे जाते हैं मूवी बहुत ज्यादा डिसेंट और वन टाइम वॉच होने वाली है, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो गाइस, अब हमारी आज की काउंटडाउन है नंबर 2 पे जो मूवी आती है वह 2020 की रिलीज एक सस्पेंस थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है साइको और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 है, आउट ऑफ 10। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें एक साइको किलर के बारे में दिखाया गया जो यंग लड़कियों को मारकर उनके सिर को काट कर अपने पास रख लेता है, लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वह साइको किलर अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए गौतम नाम के एक ब्लाइंड आदमी की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से गौतम उस साइको किलर को जान से मारने के लिए निकल पड़ता है। आगे मूवी में देखना यह होता है कि वह साइको यंग लड़की को किडनैप करके क्यों मारता है और इवन क्या गौतम अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाता है, यह सब चीज जानने के लिए आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें। अगर दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आज की वीडियो की यह मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो दोस्तों, अब आज की वीडियो में हमारी नंबर 1 पर जो मूवी आती है वह 2023 की हाल ही में रिलीज एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है विधु थलाई पार्ट 1 और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.8 है, आउट ऑफ 10, जो बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें कैसे क्रिमिनल के बारे में दिखाया गया जो एक पुलिस स्टेशन में घुसकर कई सारे पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है, जिसकी वजह से बाद में उस जगह का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट आता है जब उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कई सारे स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। अब आगे मूवी में क्या वह क्रिमिनल उन ऑफिसर द्वारा पकड़ा जाता है नहीं, जानने के
लिए आप एक बार इसमें गुड राय जरूर करें। यकीनन दोस्तों इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लगने वाला है, और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको हिंदी में फैन डबिंग साथ देखने को मिल जाएंगे, और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। दोस्तों ये थी हमारी आज की साउथ की बेहतरीन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तो गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, हमारे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो यार जल्दी से दबा दो ना सब्सक्राइब वाला बटन। तब तक के लिए बाय बाय।